नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 3 की जेजे कॉलोनी में। पार्ट 3 है ये और सी ब्लॉक का हिस्सा है। यहाँ पे जो सीवर की समस्या है वो ज़्यादा है। सीवर का जो पानी है ओवरफ्लो होता है और गलियों में जमा हो जाता है। लोगों का कहना है कि सालों से अनुरोध करने के बावजूद भी जो सफाई है वो नहीं होती मुकम्मल, और सीवर का पानी जो है वो घरों के बाहर जमा रहता है। आप आइए आगे। क्या नाम बताया आपने? आसमीन। क्या समस्या क्या है और कब से है? 2 साल हो गए इसको। बोलने भी जाते हैं ना सर, आते नहीं हैं। कहते हैं जब पानी निकल जाएगा, जब आएंगे, ढक्कन खोला, फोटो खींचा, चले जाते हैं। अच्छा, फिर नहीं आते। जाओ गए तो शिकायत की आपने अपने MLA से इस बात की? MLA से की थी। MLA कहाँ सुनता है ना भाई? MLA तो मिलता ही नहीं है। कह देते हैं क्या नाम है ना, वो गए हुए हैं कहीं। सुनता जी, कोई सुनवाई नहीं है। सीवर का जो काम है ये दिल्ली सरकार का काम है, लिहाजा MLA को आपको अप्रोच करना चाहिए था। बात हुई आपकी? सरकार दिल्ली शहर का ही कमिश्नर है, कोई भी है, सबके पास जा रहे हैं। कहाँ नहीं गए हम यहाँ तक लेके, वहाँ तक गए। वो इंद्रलोक से आगे कौन सा दफ्तर है वहाँ पे भी गए थे, मगर कोई सुनवाई नहीं है। और कब से ये हालात हैं? अरे हालात तो ये जब तक मेरे ख्याल से कॉलोनी बसी है, ये तो 2 साल पहले इनमें गलियों में औरों में तो ये डल गया माल, और हमारी गली उधर और इधर, यहाँ कोई रोड़ी वोड़ी नहीं, कोई मसाला नहीं डाला। यहाँ पर पानी सब जगह का इकट्ठा हो जाता है और वहाँ तक का पानी इधर को ही आता है। तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह जो की, उनका उनसे भी हल कोई निकला नहीं है? हाँ भैया, पानी जो है ना ये गटर का भरा रहता है, जब मीठा पानी आता जब भी भरा रहता है। पब्लिक निकलने में परेशान है, बच्चा स्कूल जाने में परेशान हो जाता है। और जो कहते हैं जाते बुलाने तो आता है, आते नहीं, कह रहा पानी कम हो जाएगा। पानी कम होता तो आते, ढक्कन खोल के पानी निकलते, अब चले जाते, फिर कल होके फिर उतने भरा रहता है, कमी नहीं होता। और कहते हैं कि कहते जाओ वहाँ, कहाँ कहाँ बताते हैं, हम कहाँ जाए, हम कहाँ देखा है लेडीज को, हम कहाँ जाते फिरे। समाधान कुछ बताया, क्या समाधान हो सकता है इसका? समाधान कुछ करिए, हमें बहुत आपको मेहरबानी होगा, हमें समाधान कर दीजिए बस। पानी बहुत परेशान करता है, रास्ता चलने में राही भी परेशान होते हैं। जुराब पहन के बच्चे जाते हैं स्कूल तो भीग जाते हैं। चलिए, आप क्या कुछ बताएंगी इसके बारे में? बहुत समय से ये हालात हैं, सफाई होती नहीं प्रॉपर, बिल्कुल नहीं होती है। जरा जरा कर जाते हैं, चले जाते हैं, फिर कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें, साल से भर रहे हैं ना? ऐसे करते हैं, चले जाते हैं। इतनी ये यहीं इस गली में और पीछे वाली एक दो गलियों में ये समस्या है। उसमें सब में है, उधर पीपल की तरह सब में तालाब से भर जाता है, बाकी गलियाँ ठीक हैं। ये सप्लाई का पानी जो ये लेटरिन का आ रहा है, ये पीपी के बच्चे टाइफाइड में हो रहा है, अभी हमारा लड़का टाइफाइड में पड़ा है वो। पहले मुझे लड़की को होया मेरी, फिर मुझे होया टाइफाइड, अब लड़का पड़ा मेरा टाइफाइड में, पूरा पूरा घर बीमार पड़ा। ये बताइए, 10,000 का पानी का बिल भेज रखा, कहाँ से भरेंगे गरीब कहाँ से भरेंगे ये? पानी 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 तो फ्री है, 1,000 लीटर पानी रोजाना फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है पूरे महीने। कल भी दिखाया 8,000 कुछ रुपए का बिल आया हुआ है, पानी फ्री है तो फिर किस बात का है? जी बदबू वाला जो बदबू का पानी है सीवर का, वो पीने वाले पानी में टोटियों में आ रहा है। क्यों, कब से हम कंप्लेंट कर रहे हैं, सुनवाई कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। तो देखा आपने इस तरह के हालात हैं, बावजूद तमाम शिकायतों के जो लोगों ने की अपने विधायक के पास, विधायक के कार्यालय में और तमाम जो नेता हैं उनके पास, लेकिन कोई भी इसका जो हल है वो लोग नहीं निकाल पाए। हालात बहुत ख़राब हैं। हमारी गुजारिश रहेगी जो विधायक हैं स्थानीय गुलाब सिंह यादव कि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें और लोगों को इस नरक से मुक्ति दिलाएँ। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।